अच्छा, तो द टॉपिक वी आर स्टडिंग टुडे इज होमोजेनिटी एंड एरर्स। इसमें सबसे पहली चीज़ दैट वी नीड टू डिस्कस इज बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? क्वांटिटीज़ दैट आर इंडिपेंडेंट, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास मीटर, यहाँ पे मैंने ये यूनिट्स लिखे हुए हैं इनके, सही है। और ये लेंथ हो गई, सही है, किसी पर डिपेंड नहीं करते। ये हो गया मास, इसका यूनिट होता है केजी। टाइम, टेम्परेचर, दिस इज केल्विन, सही है, केल्विन। इसके बरक्स डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दे आर डिराइव फ्रॉम मल्टीपल बेस क्वांटिटीज़। दो तीन चार पांच मल्टीपल बेस क्वांटिटीज़ मिलके डिराइव क्वांटिटीज़ उससे बनती हैं। तो इसमें क्या एग्जांपल्स है हमारे पास? इसमें है एरिया, दैट इज़ मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास है वॉल्यूम, फिर ये हो गया हमारे पास न्यूटन फोर्स के लिए, और ये हमारे पास हो गया फॉर डेंसिटी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मीटर पर सेकंड फॉर स्पीड, सही है। तो ये हो गई हमारी डिराइव क्वांटिटीज़। अब फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि कोई क्वांटिटी के यूनिट्स हमें डिराइव करने हैं, सही है। तो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ प्रेशर की। हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेशर के यूनिट्स डिराइव करने हैं, और प्रेशर का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, फोर्स अपॉन एरिया। नहीं भी दिया हुआ तो हमें पता ही होता है। हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने बिल्कुल बेस यूनिट्स में ले जाना है सारी वैल्यूज़ को, फोर्स को बिल्कुल उसके बेस वैल्यूज़ में और बेस यूनिट्स में ले जाना, और एरिया को भी। फोर्स को अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है मास इंटू एरिया, सही है। एरिया फ़िलहाल हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। मास के यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं? किलोग्राम्स। एक्सेलरेशन के क्या होते हैं? सॉरी, ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, और एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा के जी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें डेंसिटी के यूनिट्स डिराइव करने। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास के यूनिट्स क्या हैं? किलोग्राम्स, सही है। और वॉल्यूम के यूनिट्स क्या हैं? मीटर क्यूब। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हमारे पास डेंसिटी के यूनिट्स डिराइव होते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सही है। इसी तरह हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल वोल्टेज को। वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है? एनर्जी ओवर चार्ज, सही है। यहाँ लिखी हुई भी है मैंने वोल्टेज की इक्वेशन। अब एनर्जी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज वर्क डन, सही है। और क्यू का हमें फॉर्मूला पता है, इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू आई टी, यानी चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और आई टी एज इट इज़। फोर्स का फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं ऊपर, दैट इज किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। और यहाँ पे हम अगर देखें तो डिस्टेंस का होता है मीटर। करंट एक बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट हो गया सेकेंड्स। हम इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा के जी एम पावर 2, एस पावर माइनस 3, ए पावर माइनस 1। तो अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, होमोजेनिटी होता क्या है। तो होमोजेनिटी में क्या होता है कि एनी इक्वेशन दैट इज होमोजेनस, उसमें लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी जो यूनिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होते हैं दे शुड बी इक्वल टू द यूनिट्स ऑन द राइट हैंड साइड। जैसे आपके पास ये
स्पीड की इक्वेशन दी हुई है। स्पीड के यूनिट्स हम सबको पता है मीटर पर सेकंड होते हैं, और अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम के यूनिट्स लिखें तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड्स, तो हमारे पास भी यही आंसर आता है दोनों तरफ। इसी तरह हम ले लेते हैं प्रेशर को। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है रो जी एच, सही है प्रेशर, जहाँ पे जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, रो इज़ द डेंसिटी एंड एच इज़ द डेप्थ, सही है। प्रेशर के अगर यूनिट्स हमें दिए हुए हैं, ये प्रेशर के यूनिट्स होते हैं जो मैंने यहाँ कॉपी किए हुए हैं। अब हमें चेक करना है कि इक्वेशन होमोजेनस है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम राइट हैंड साइड पे हमने पहले रो के यूनिट्स लिखे हैं डेंसिटी के, दैट इज़ केजी पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय द हाइट या डेप्थ, सही है। तो हमारे पास यही आंसर आया केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज होमोजेनस बिकॉज द यूनिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू द यूनिट्स ऑन द राइट हैंड साइड। इसी तरह हम वेट की इक्वेशन चेक कर लेते हैं। तो वेट के यूनिट्स, वेट फोर्स होता है, तो फोर्स के यूनिट्स जो हैं न्यूटन्स होते हैं, और न्यूटन्स को हम बेस क्वांटिटी में अगर डिराइव बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करें तो ये यूनिट्स आते हैं, सही है। अब हमें चेक करना है कि दिस इक्वेशन इज होमोजेनस और नॉट। तो हमने मल्टीप्लाई किया मास के यूनिट्स को बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के यूनिट्स, तो हमारे पास दोनों तरफ वही आंसर आया। अब क्या करना है कि हमें चेक करना है कि कोई इस तरह की इक्वेशन दी हुई हो जिसमें प्लस या माइनस के साइंस यूज़ हो रहे हों, जैसे कि मैंने इधर एक एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाई हुई है एंड इसमें कह रहे हैं कि v इज इक्वल्स टू यू ए टी, सही है। और यहाँ पे कौन सा चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, v इज इक्वल्स टू फाइनल स्पीड, u इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम, सही है। तो अब अगर स्पीड के यूनिट्स में देखूं तो क्या इस इक्वेशन में हमें पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम v को इक्वेट करेंगे विद u, सही है। हम इनके यूनिट्स चेक करें तो ये भी मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम v को इक्वेट करेंगे v के यूनिट्स को विद a एंड t, a मल्टीप्लाई बाय t, तो यहाँ पे आंसर आता है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड्स, तो हमारे पास अगेन फाइनल आंसर वही डिराइव हो जाता है। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज होमोजेनस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंने एक रैंडम इक्वेशन दे दिया आपको, v इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, सही है। v इज स्पीड, f इज फोर्स एंड a इज एक्सेलरेशन। अब स्पीड के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, और फोर्स इनटू एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं, फोर्स के ये होते हैं और एक्सेलरेशन के ये। तो अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल फाइंड आउट के जो एक यूनिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हैं दे आर नॉट इक्वल टू द यूनिट्स ऑन द राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज नॉट होमोजेनस, ठीक हो गया। एक और इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ मैंने इक्वेशन ली है ई इज इक्वल्स टू आई ए, ई इज एनर्जी, आई इज करंट एंड ए इज एक्सेलरेशन। ई के यूनिट्स होते हैं वर्क डन होता है एनर्जी, वर्क डन के यूनिट्स होते हैं के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू, और करंट होता है एम्पियर्स एंड एक्सेलरेशन इज दिस। यू वुड नोटिस अगेन के ये जो यूनिट्स हैं दे आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, हेंस आई कैन से दैट दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नॉट होमोजेनस।
सही, आपके सामने तीन स्टेप्स लिखे हुए हैं कि किस तरह हमें होमोजेनिटी को प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले जो क्वांटिटी हो उसको ब्रेक कर दें बेस क्वांटिटीज़ में या बेस यूनिट्स में। सही है, जब आपने यूनिट्स में ब्रेक कर दिया तो आप उसको सिंपलीफाई कर दें। अगर लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स आर इक्वल टू राइट हैंड साइड तो इसका मतलब है इक्वेशन इज़ होमोजेनस, अदरवाइज इक्वेशन इज़ नॉट होमोजेनस।